बच्चों, आज हम आप लोगों को सामान्य विज्ञान कक्षा 8वीं का चौथा विषय सॉरी चौथा पाठ धारा विद्युत और चुंबकत्व की जानकारी हम देंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों को यह इस पाठ का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में आप लोगों को विद्युत धारा, विद्युत आवेश के विषय में जानकारी दी गई थी, फिर भी मैं इसको दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि विद्युत परिपथ के विषय में हम जानकारी दिए थे, आप लोगों को बाएं तरफ एक चित्र दिखाई दे रहा है, आकृति में आपको देख रहे हैं कि इसमें तार से एक बल्ब को जोड़ा गया है और जिसमें बल्ब जल नहीं रहा है, अर्थात इस आकृति से स्पष्ट होता है कि इसमें विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं हो रहा है। जबकि बगल में बच्चों हम देख रहे हैं कि जलता हुआ बल्ब दिखाई दे रहा है। तो दोनों आकृतियों में आपको अंतर भी दिखाई दे रहा है। जब बल्ब एक तरफ जल रहा है विद्युत बल्ब, दूसरी तरफ दाहिने तरफ हम देख रहे हैं विद्युत बल्ब जल रहा है, बाएं तरफ पहले परिपथ में नहीं जल रहा है। तो दोनों परिपथ में अंतर भी है। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं, जो बाएं तरफ की आकृति है 4.1, उसमें हम देख रहे हैं तो विद्युत सेल नहीं जोड़ा गया है, जबकि यह हम देख रहे हैं यह जो है एक तरह से यह विद्युत सेल है, यह विद्युत सेल का इसका संकेत है। इस तरह से हम विद्युत सेल को दिखाते हैं, जहां इस तरह से धन और ऋण का चिन्ह बनाया रहता है, इसका मतलब यह जो है विद्युत सेल है। तो यहाँ विद्युत सेल जोड़ा गया है, यहाँ विद्युत सेल कहीं भी नहीं जोड़ा गया है। इसका मतलब जो ही विद्युत सेल को हम जोड़ते हैं, यह तीर के निशान से एक एरो जो तीर बनाया गया है, तीर का निशान यह बता रहा है कि किस तरह से धन की तरफ से होकर के यह ऋण की तरफ जा रहा है, अर्थात यहाँ विद्युत परिपथ पूरा हो रहा है। इसलिए बच्चों यह बल्ब जल रहा है, अर्थात विद्युत परिपथ पूरा होने के लिए यहाँ सेल को जोड़ा गया है। आगे हम बच्चों आपको दिखाते हैं दूसरी आकृति। यह तो रहा विद्युत परिपथ के विषय में, अब हम आपको बताते हैं बच्चों विद्युत सेल। जबकि इसके पहले आप लोगों को बताया गया था यह शुष्क विद्युत सेल है, जिसमें आप लोगों को जानकारी भी दी गई थी। तो एक बार इसको रिमाइंड रिकॉल करते हैं एक बार आप लोगों को, कि आप लोगों को दोनों आकृति दिखाई दे रही है बच्चों, जिसमें एक आकृति यह बता रही है कि किस तरह से हम इसको काट करके इसका कटा हुआ भाग दिखाया गया है। दूसरी आकृति में उसी चीज को हम डायग्राम में बनाकर दिखाया गया बच्चों। जैसे बीच में हम देखते हैं बच्चों, तो यहाँ यहाँ भी बीच में धनाग्र है, यह धनाग्र बताया गया है। और एक धनाग्र क्या है, यह इसमें यह कार्बन का एक राड दिया गया है, ग्रेफाइट का राड दिया गया बच्चों। तो इस तरह से जो ग्रेफाइट का राड है, इसमें हम देखते हैं जो यह ग्रेफाइट का राड है, इस ग्रेफाइट के राड में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ग्रेफाइट के राड में। और दूसरे तरफ यही चित्र दिखाई दे रहा बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं तो बाएं तरफ में जो चित्र में दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ एक जिंक कंटेनर लिखा हुआ है। जिंक कंटेनर मतलब यह बाहर का जो आवरण हुआ जिंक का बना हुआ बर्तन है, कंटेनर मतलब बर्तन, वह जिंक का बना हुआ है। उसके बगल में आपको हम देख रहे हैं उसमें NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, जिसको हम सारडस्ट भी कहते हैं, अर्थात वो जिंक क्लोराइड को उसमें भरा गया है। दूसरे एक कंटेनर और दिखाया गया बच्चों, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को भरा गया है, उसमें कार्बन का राड है। हम देख रहे हैं कार्बन का जो राड है, ग्रेफाइट का जो राड है बच्चों, उससे नीचे के हम देख रहे हैं जो जिंक का कंटेनर है, उससे उसका कोई स्पर्श नहीं है, अर्थात यह दोनों दोनों भाग अर्थात दो बर्तन है। एक जो है
जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भरा गया है, दूसरे में जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड भरा गया है। तो इस तरह से बच्चों यह कार्बन इलेक्ट्रोड और मैग्नीज डाइऑक्साइड, उधर जो है जस्ती का आवरण के अंदर विद्युत अवघट यानी अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, तो यह विद्युत अवघट के रूप में भरा गया है। इससे आप लोगों को एकदम स्पष्ट मालूम हो गया होगा कि बैटरी जो ड्राई सेल हम टॉर्च में उपयोग में लाते हैं उसकी बनावट क्या होती है। इसकी चर्चा भी हुई थी बच्चों, ऊपर जो है ब्रास का कैप होता है, वह ऊपर का भाग धन होता है, अर्थात जो ग्रेफाइट की बना हुआ राड होता है वह धनागर का काम करता है, और जिंक का नीचे का भाग जो है वह ऋणागर का काम करता है, जिसके विषय में पार्ट वन में हम आपको चर्चा भी किए थे बच्चों। इस तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं, यह है फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से विद्युत कैसे एक दूसरे से कैसे चलती है, यानी हम अभी तो सेल के विषय में जानकारी दी, लेकिन कैसे विद्युत जो है विद्युत जो हम तारों को जोड़ते हैं परिपथ कैसे पूर्ण होता है। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ दो बिंदुओं के विभव में पाए जाने अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। यह जो है विभवांतर में हम देख रहे हैं बच्चों, जिस तरह से यहाँ देख रहे हो ऊपर ऊंचाई पर पानी की टंकी रखी गई है, नीचे एक छोटी सी टंकी रखी गई है, हम देखते हैं एक ऊंचा स्तर है, एक का निम्न स्तर है, ऊंचे स्तर से निम्न स्तर की तरफ पानी का बहाव है। वैसे बच्चों जैसा कि हमने चर्चा भी किया था, हम दूसरी तरह से देखते हैं बच्चों तो तापमान का भी हम पिछली बार चर्चा हुई थी कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ उष्मा बढ़ता है, अर्थात जो किसी राड का एक गर्म सिरा है, जिधर ठंडा सिरा होता है गर्म सिरे से धीरे धीरे गर्मी अर्थात उष्मा ठंडे सिरे की तरफ बढ़ती है। वैसे बच्चों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि विभवांतर में भी यही होता है कि विद्युत सेल के दो सिरों में पाए जाने वाले विभवांतर के कारण तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं बच्चों, ए विद्युत सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन विद्युत धारा जो है बच्चों जैसा कि अभी हम पिछली बार बताया था बच्चों कि धन से ऋण की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होता है, और विद्युत धारा बच्चों उसकी विपरीत दिशा में अर्थात धन से ऋण की तरफ प्रवाहित होती है। यह जो है आप लोगों को विद्युत परिपथ में बताया गया था, आप लोग देखे भी होंगे, उसके विषय में जानकारी भी हो गई होगी बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, तो दूसरा है बैटरी अर्थात यह जो शुष्क विद्युत सेल है। अभी हमने इसके पहले जो शुष्क विद्युत सेल के विषय में जानकारी दिया, अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि लेड अम्ल विद्युत सेल, अर्थात लेड अम्ल विद्युत सेल क्या होता है। यह चित्र से आप लोगों को बच्चों स्पष्ट हो गया होगा कि जो बैटरी हम ट्रक में उपयोग करते हैं या बड़ी गाड़ियों में उपयोग करते हैं, मोटरसाइकिल में उपयोग करते हैं, वह जो है लेड अम्ल विद्युत सेल होता है, इसे हम लेड एसिड सेल भी कहते हैं। बगल में बच्चों दाहिने तरफ की आकृति में आप लोगों को दिखाया गया है कि जो दाहिने तरफ की आकृति बच्चों होती है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि यहाँ H2SO4 अर्थात अम्ल, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, बीच में आप लोगों को धनाग्र और ऋणाग्र दिखाया गया है। धनाग्र किसका बना हुआ है, लेड ऑक्साइड का, PbO2, Pb मतलब लेड, O2 यानी ऑक्साइड यानी लेड डाई ऑक्साइड, O2 दो लिखा गया है, दो मीन्स डाई, एक रहेगा तो मोनो, दो रहेगा डाई, तीन तो ट्राई टेट्रा, इस तरह से हम आगे आप लोगों को पढ़ेंगे कि किस तरह से हम उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ चूंकि O2 है इसलिए हम पढ़ेंगे इसको लेड डाई ऑक्साइड, जैसे आप लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं वैसे यहाँ PbO2 लेड डाइऑक्साइड। और दूसरे तरफ देखते हैं बच्चों तो ऋणाग्र दिखाया गया है, वह किसका बना होता है बच्चों, लेड यानी सीसा का बना होता है। तो यह जो है आपको आकृति से स्पष्ट होता है बच्चों कि किस तरह से हम इसको देखते हैं, अर्थात किस तरह से इसको हम बैटरी का जो अंदर का आंतरिक किस तरह से उसका काम करता है, यह जानकारी हम आपको देते हैं बच्चों।
तो इस तरह से यह जानकारी जो हो गई है यह बच्चों आपको दी जा रही है, अर्थात इस तरह से हम। और इसके बाद हम बच्चों देखते हैं तो यह जो आकृति है इसमें हम देखते हैं तो लेड विद्युत का, तो आगे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं यह आकृति के द्वारा कि किस तरह से आकृति में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लेड विद्युत का किस तरह से है। तो ऐसे बच्चों हम यहाँ हम आकृति से स्पष्ट हो जा रही है, वैसे ही इस जो बैटरी है बैटरी में जो है दो जो है हमें खूंटी दिखाई दे रही है, उस खूंटी के से जो है यह जो है बच्चों ये हम देख रहे हैं कि यह दोनों एक जो है उसका धनाग्र भाग होता है एक ऋणाग्र भाग होता है, दोनों अलग अलग रंग से बच्चों दिखाया गया है, एक रेड रंग से दिखाया गया है और अर्थात दोनों को स्पष्ट किया गया है कि ऋणाग्र और धनाग्र क्या होता है। जैसे यहाँ बच्चों दिखाया गया है जो रेड रंग से दिखाया गया है वह धन है, बैटरी में भी बच्चों आपको जो बाएं तरफ की बैटरी उसमें कलर स्पष्ट हो रहा है बच्चों, वैसे दाहिने तरफ की बैटरी में भी ध्यान से देखेंगे बच्चों तो उसके जो ऊपर की तरफ राड लगा हुआ है वहां एक तरफ से बाएं तरफ लाल रंग से रंगा गया है और उसके बगल में हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा नीले रंग से रंगा गया है, अर्थात जो नीला रंग है वह ऋणाग्र है, जो लाल रंग है वह धनाग्र है। तो यह जो है विद्युत अपघट के द्वारा जो लेड और अम्ल, अर्थात इसलिए इसको क्या कहते हैं लेड अम्ल, इसकी आकृति आपको बच्चों स्पष्ट हो गई होगी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, विद्युत अवघट का मतलब होता है बच्चों किस तरह से अपघटन करता है H2SO4। तो यह आगे आप पढ़ेंगे लेकिन आपको इतना जानना जरूरी है कि इसका जो रचना होती है वह किस तरह से यह रासायनिक कार्य में कैसे यह कार्य करता है वह चित्र के द्वारा स्पष्ट हो गया बच्चों। और हम देख रहे हैं ऊपर क्या लिखा गया बच्चों, दो बोल्ट, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों उसके दोनों विभवांतर भी लिखा गया, भी मतलब विभवांतर, अर्थात इसका विभवांतर बच्चों क्या रहता है दो बोल्ट रहता है, वो भी स्पष्ट हो गया बच्चों कि इसका विभवांतर जो है दो बोल्ट होता है, इसलिए दोनों में विभवांतर लगभग दो बोल्ट होता है, या ऊपर स्पष्ट किया गया है जो भी लिखा गया है, भी मीन्स विभवांतर जिसको हम बोल्ट भी कहते हैं, यानी उसको हम इकाई उसकी क्या है बोल्ट। तो इस तरह से यह बच्चों आप लोगों को स्पष्ट हो गया है कि लेड अम्ल विद्युत सेल में शीशा का एक विद्युत अग्र होता है इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा जो है लेड डाई ऑक्साइड का दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें तन सल्फ्यूरिक अम्ल में यह डुबाया जाता है और लेड डाई ऑक्साइड यह जो विद्युत अग्र है वह धन आवेश और लेट जो है विद्युत अग्र जो होता है वह ऋण आवेश होता है, दोनों का विभवांतर दो बोल्ट होता है। इस सेल के पदार्थों की जो रासायनिक अभिक्रिया में दोनों विद्युत अग्रों पर विद्युत आवेश तैयार होता है, परिपथ में लगे हुए उपकरण में यदि किसी भी हम बल्ब है या कुछ भी उपकरण को लगाते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और बच्चों यह भी बताया गया था इसके जो हम अखंड विद्युत शक्ति पूर्त वाला यंत्र में जो लेड अम्ल विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है, अखंड विद्युत शक्ति पूर्त वाला यंत्र जिसको हम UPS कहते हैं, अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों तो आपको दिखाते हैं कि अभी जैसे हमने बताया कि उसमें विद्युत विमोचन, अर्थात जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, हम लोग कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत विमोचन। इसके बाद हम जब डिस्चार्ज जाती है तो उसको हम चार्ज करते हैं, अर्थात पुनः जो है विद्युत आवेशित करते हैं, इसको हम कहते हैं चार्ज करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम चार्ज करते हैं और आगे हम देखते हैं बच्चों कि सेल में पदार्थों का जो रासायनिक अभिक्रिया आपको बताया ही गया किस तरह से काम करता है और इस तरह से इसका उपयोग हम वाहनों में करते हैं, मोटरसाइकिल में करते हैं, UPS में करते हैं, यह जानकारी आपको दी गई बच्चों। आगे हम चलते हैं बच्चों तो अगली सेल का नाम है निकल कैडमियम सेल। तो निकल कैडमियम सेल में हम देखते हैं बच्चों तो NI मतलब निकल, CD यानी कैडमियम, सेल यानी बैटरी। तो यह जो है आजकल विभिन्न प्रकार के साधन उपकरण उपलब्ध हैं इसमें जहां वहां लेकर के, अर्थात इसको हम आसानी से जाया जा सकता है बच्चों।
ऐसे साधन के लिए निकल कैडमियम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह जो हल्का होता है और बड़ी बैटरी जो हम यूज करते हैं वो काफी वजनी होती है, 50 किलो 40 किलो, क्योंकि उसमें प्लेट लगे होते हैं तो काफी वजनी होती है। यह हल्के होने के कारण इसकी कैपेसिटी भी अच्छी होती है। इसमें जो है 1.2 वोल्ट विभवांतर होता है बच्चों। यह पुनः आवेशित किया जा सकता है, अर्थात इसको भी हम रिचार्ज कर सकते हैं। आपको दाहिने तरफ जो चित्र दिखाई दे रहा बच्चों, उसमें आपको अनेक प्रकार के बैटरी दिखाया गया, किस तरह से है, पैरासोनिक का है, अनेक जो है कुछ चपटी है, कुछ राउंड में है, अर्थात इस तरह से छोटी बैटरियां आप लोगों को देखते भी होंगे कि लगाई जाती है, जो हम यूज करते हैं कभी कभी चार्जर के लिए भी यूज करते हैं इस तरह से। इसे हम क्या कहते हैं, निकिल कैडमियम बैटरी, तो NICD बैटरी। तो इस तरह से इसको, इसका नाम है बच्चों, इस प्रकार की जो है रिचार्जेबल बैटरी होती है, जिसको हम पुनर्भरणीय बैटरी, मतलब पुनः उसको भरा जा सकता है, मतलब रिचार्जेबल। तो इसके इलेक्ट्रोड निकिल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और धात्विक कैडमियम के होते हैं बच्चों। यह आप लोगों को निकिल कैडमियम सेल के विषय में जानकारी दी गई, और इसका जो है अनेक प्रकार के जो बैटरियां इसमें देख रहे हैं, अलग अलग रूपों में होती है या देख रहे अलग अलग साइज में होती है, वह आप लोग को नीचे स्पष्ट बच्चों दिखाई दे रहा है आपके दाहिने तरफ, जो से क्लियर भी हो जा रहा है। आगे बच्चों पर चलते हैं। अब हम देखते हैं कि यह विद्युत परिपथ सर्किट क्या होता है। तो विद्युत परिपथ सर्किट जानना अति आवश्यक बच्चों। तो जैसा कि विद्युत परिपथ सर्किट में हम लोगों को बता दिया गया कि कैसे हम सेल धारक को, विद्युत बल्ब और प्लग कुंजी को उस वाहनों में हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद कैसे हम इसको प्रकाशित होता है। तो बच्चों यह जो विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ में हम देखते हैं तो विद्युत बल्ब और प्लग कुंजी जो विद्युत वाहक तार को जोड़ने पर, सेल धारक में शुष्क सेल रखने पर बल्ब प्रकाशित होता है। इस तरह से बच्चों बल्ब में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है और बल्ब प्रकाशित होने लगता है, जैसे इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे बच्चों। और जो ही हम सेल निकाल लेते हैं, बल्ब में से विद्युत धारा का प्रवाह खंडित हो जाता है। खंडित होने का मतलब बच्चों विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है और बल्ब का प्रकाश देना बंद हो जाता है। और इस प्रकार विद्युत के घटकों के सुव्यवस्थित संयोजन को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ, परि मतलब एक सर्किट होती है, पथ मतलब रास्ता, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो अब आगे लिखा गया बच्चों, जैसे कि तुम लोगों को बताया गया है धन और ऋण, विद्युत सेल पर धन और ऋण चिन्ह होता है। अब जब जैसे हमने बताया कि ऊपर धन नीचे ऋण, उसमें धन और ऋण दो आवेश आवेशित जो धनाग्र और ऋणाग्र होते हैं, ये हमारे घर में भी इस प्रकार के विद्युत परिपथ का संयोजन किया जाता है, जैसे कि हम आगे आप लोगों को बताएंगे। और एक चीज और स्पष्ट बच्चों इसमें दिया गया है, आप सबसे नीचे एक लाइन में देखेंगे आपके, तो एक धन और ऋण निशान जो बनाया गया है, इस तरह से विद्युत सेल को दर्शाया जाता है, जो कि परपथ में आपको आगे हम स्पष्ट भी कर देंगे, आपको देखने को भी मिलेगा। लेकिन यहाँ जान जाए कि किस तरह से विद्युत सेल को हम दिखाते हैं। यह आप लोगों को पहले भी हम जो विद्युत परपथ में बल्ब का उदाहरण बताया थे बच्चों, वहां सेल को जोड़ा गया था, एक दूसरे में सेल को नहीं जोड़ा गया था, उसमें आप देखे होंगे कि यही चिन्ह उसमें दर्शाया जा रहा था, अर्थात तो वह किसका चिन्ह है, विद्युत सेल का चित्र है। इस तरह से तारों के द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है। आगे बच्चों हम चलते हैं, तो आपको वही चीज आपको जो हमने बताया वही हम डायग्राम के द्वारा आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाए बच्चों। ये प्लग कुंजी है, प्लग कुंजी का मतलब होता है बच्चों जैसे हम एक स्विच उपयोग करते हैं, स्विच उपयोग करते हैं, बटन को दबाते हैं, हमारा पंखा या बल्ब चालू हो जाता है। जो ही हम विद्युत बटन को बंद करते हैं, वो हमारा बल्ब या पंखा चलना बंद हो जाता है। अर्थात क्या होता है, जो ही हम स्विच को ऑन करते हैं, वह परिपथ जुड़ जाता है, परिपथ जुड़ जाता है बच्चों, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, परिपथ को पूरा करती है, जिससे हमारा उपकरण विद्युत बल्ब है, पंखा है, जो भी उपकरण है वह चलने लगता है। जो ही हम उस स्विच को ऑफ कर देते हैं, अर्थात उसको हम वहां डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यानी जैसे यहाँ दिखाया गया बच्चों, कुंजी को ऊपर दिखाया गया है, ऊपर की तरफ देखो, ऊपर दिखाने का मतलब क्या है, वह हमारा विद्युत परिपथ को क्या है, खंडित कर दिया है। अर्थात इसका मतलब क्या है, हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब उसमें स्पष्ट हो रहा है कि इस तरह से हम
कुंजी का काम करते हैं। आगे आप लोग जब 11वीं 12वीं में जाएंगे वहां उपकरण रहेगा, तो आप इस तरह से आपको देखने को मिलेगा किस तरह से एक छोटा सा स्क्रू की तरह से रहता है, हम जब उपकरण काम करते हैं तो उसमें हम डाल देते हैं तुरंत वह जुड़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ जैसे हमने स्विच का उपयोग किया, क्योंकि हमें आसानी से होना चाहिए और हाई वोल्टेज लाइन रहती है तो हमको सुविधा भी चाहिए, तो एक स्विच की का उपयोग किया गया, वह स्विच प्लग कुंजी ही होता है। तो इस तरह से बच्चों देखो यहाँ जैसे हमने विद्युत सेल की बात किया, बच्चों आपको देखने को मिल रहा ना कि विद्युत सेल जो है किस तरह से काम दिखाया गया है। विद्युत सेल के बगल में देखो नीचे धन, ऊपर धन, नीचे ऋण, यह आपके पीछे आपको यह संकेत दिखाई दे रहा था जिसको मैं बता रहा था, इस तरह से संकेत बना हुआ अर्थात वह विद्युत सेल लगा हुआ है। और प्लग कुंजी जैसे ऊपर बनाया गया बच्चों, ऐसे ही आकृति में आगे आपको जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको वहां आगे विद्युत के पाठ में ऐसी आपको जानकारियां दी जाएंगी। और इधर बगल में विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब का मतलब एक तरह से विद्युत उपकरण हो गया जिसे स्पष्ट किया जा रहा है बच्चों। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों, तो आगे की जानकारी लेते हैं। तो अब देखिए बच्चों आगे है सेलों का संयोजन। संयोजन का मतलब किस तरह से सेलों को हम जोड़ते हैं, तो यह बच्चों हमारा सेलों का संयोजन है कि विद्युत प्रपथ में कभी कभी एक से अधिक सेलों को एक साथ जुड़े हुए हम देखते हैं। कहाँ देखते हैं, जैसे अभी हम ट्रांजिस्टर को ले लेते हैं तो कोई दो दो सेल का होता है, कोई तीन सेल का होता है। टार्च लेते हैं बच्चों, उसमें देखते हैं एक लंबा राड जैसा उसका होता है, उसमें हम दो सेल का रहता है, तीन सेल रहता है, तो इस तरह से टार्च में है। तो इसको क्या कहते हैं, सेलों का संयोजन, इसको बच्चों हम कहते हैं सेलों का संयोजन। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर हो, रेडियो हो में हम देखते हैं, चूंकि हम आप नीचे आखिर में देख रहे हैं एक सेल दूसरे सेल से किस तरह से जुड़ा हुआ है और किस तरह से उसमें ऋण से देख लो बच्चों कैसे विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है। नीचे भी बच्चों धन ऋण बनाया गया है अर्थात तो वहां आपको स्पष्ट होता होगा कि वह कुंजी की जैसे बनाया गया है, तो किस तरह से हम इसको जो एक का ऋण दूसरे का धन इस तरह से यदि बैटरी जुड़ी हुई है तो इसको क्या कहते हैं बच्चों हम श्रेणी क्रम, इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन। और आगे हम चलते हैं बच्चों, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा किस तरह से कई कभी कभी हम एक ट्यूब जैसे नहीं है तो कैसे हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ भी बच्चों वही आकृतियां हैं जो श्रेणी क्रम का है, लेकिन इसको हम बैटरी को कैसे जोड़े हैं बच्चों, हम यहाँ चार बैटरी को जोड़े हैं, एक का धन है जो ही नीचे जाओ वह उस दूसरे के ऋण से जुड़ा है, फिर ऊपर का धन, फिर नीचे के ऋण से जुड़ा है, फिर ऊपर का धन नीचे के ऋण से जुड़ा है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन धन और ऋण एक दूसरे से जुड़े हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन, जो श्रेणी क्रम में है जिसको हम सीरीज कहते हैं। अर्थात इस तरह से बच्चों बैटरी का जो सेल होता है इसको हम इसको कहते हैं सेलों की बैटरी, अर्थात कई सेल मिलकर काम करते हैं, जैसा कि लिखा गया है धन सिरा दूसरे के ऋण सिरे से, दूसरे का धन सिरा तीसरे के ऋण सिरे से जुड़ा है, और इसमें प्रत्येक सेल का विभवांतर एक वोल्ट है बच्चों, तो तीन सेल हो गया इसलिए इसका विभवांतर तीन वोल्ट हो गया। जब तीन वोल्ट विभवांतर हो गया, जैसे विभवांतर बढ़ता है बच्चों वैसे वैसे उसकी आप देखते होंगे कि एक सेल दो सेल की बैटरी टार्च है उसकी प्रकाश कम होता है, तीन सेल का प्रकाश उसका अधिक हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम विभवांतर बढ़ जाता है। तो इस तरह से बच्चों यह आपको स्पष्ट हो गया होगा, आगे हम इसी चीज को और स्पष्ट दिखा रहे हैं बच्चों, किस तरह से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बच्चों देखो यहाँ दिखाया गया है, अब यह जो हम दिखा रहे हैं बच्चों यह एक तरह से वह अलग है, इसको क्या कहते हैं बच्चों हम यह समांतर है। अभी हम वहां क्या देखे, यहाँ बच्चों देखो ऊपर धन धन धन, नीचे ऋण 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 लिखा गया है। अब इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों, सभी धन को एक तरह जोड़ा गया है, सभी ऋण को एक तरह जोड़ा गया है। ऐसे आपके दाहिने तरफ आप देख रहे होंगे बच्चों, दाहिने तरफ भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सभी धन को एक तरफ जोड़ा गया है, सभी ऋण को एक तरफ जोड़ा, अर्थात सभी धन को जोड़ करके सभी ऋण को एक में जोड़ करके फिर नीचे आप देखते हुए लोड जहां लिखा गया है अर्थात वो किसी विद्युत उपकरण से जोड़ा गया है। तो यहाँ जो पहले हम देखे कि धन का ऋण फिर दूसरे का ऋण अगले के धन में जुड़ा है, लेकिन यहाँ क्या है, धन सभी तीनों को के धन को एक में जोड़ दिया गया है, तीनों को ऋण को एक में जोड़ दिया गया है और उस धन और ऋण को ला करके एक उपकरण में जोड़ दिया गया है। इसको बच्चों हम कहते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का मतलब बच्चों कि यह बैटरी हमारी क्या है, समानांतर है, वह एक एक क्रम में था, एक लाइन में था, यह क्या है एक दूसरे के समानांतर है। इसको और स्पष्ट बच्चों दोनों के स्पष्टता आगे के चित्र में होगा। यह देखिए बच्चों
बैटरी का संयोजन एक पैरेलल है, दूसरा जो है सीरीज में है। पैरेलल बाएं तरफ देख रहे हैं, पैरेलल है, एक का धन दूसरे का धन, तीसरे का धन एक में जोड़ा गया है, एक का ऋण दूसरे का ऋण, तीसरे का ऋण एक में जोड़ा गया है और यहाँ बल्ब से जोड़ दिया गया है। यह जो है पैरेलल है, आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दे रहा हूं कि आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, आपको क्लियर भी हो जा रहा है। नीचे हम देखते हैं बच्चों, तो क्या है, तीन बैटरियां हैं, एक का धन दूसरे का ऋण, फिर दूसरे का धन ऋण, फिर धन, फिर लास्ट में ऋण, अर्थात इस तरह से हम देखते हैं बच्चों, तो यह बैटरी सीरीज में जोड़ी गई है। अब सीरीज और पैरेलल दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि बैटरी का संयोजन सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है, दोनों को स्पष्ट हो गया होगा बच्चों। जो सीरीज में होता है बच्चों उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ देख रहे हो 1.5 1.5 1.5 अर्थात 1.5 वोल्ट होता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं 1.5 1.5 1.5, आगे क्या है 4.5 अर्थात इसमें हम देख रहे हैं तो इसका वोल्ट बढ़ जा रहा है। जैसे जैसे वोल्ट बढ़ेगा बच्चों वैसे वैसे विद्युत धारा अधिक मिलती है, अर्थात वहां विद्युत प्रवाह तेजी के साथ होता है। तो सीरीज में हमको तेजी के साथ मिल रहा है और पैरेलल में स्लो मिलता है। आगे हम चलते हैं बच्चों, तो यह है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में बच्चों जैसा कि हम आप देख रहे हैं, एक माचिस की डिबिया लिया गया है बच्चों, उसमें उस माचिस के डिबिये में जो आकृति बच्चों बनाई गई है उससे स्पष्ट है कि एक तार को उसमें लिपेटा गया है और आगे देखिए धन ऋण दिखाया गया है और जो कोष्टक जैसे बनाया गया है अर्थात वह क्या बच्चों कुंजी बनाई गई है, वह जो है कुंजी है, उस कुंजी के द्वारा उसको स्पष्ट किया गया है बच्चों। तो एक अनुपयोगी माचिस की डिब्बा लेते हैं, उसे उसमें हम छोटी सी देख रहे हैं, उसमें हम चुंबकीय सुई रखी गई है जो कि स्पष्ट बच्चों दिखाई दे रहा है कि अंदर चुंबकीय सुई रखी गई है, चुंबकीय सुई रख लेते हैं। जब विद्युत सुचालक का लंबा तार लेकर के ट्रे के चारों तरफ हम उस डिबिया के चारों तरफ लिपेट लेते हैं, लिपेटने के बाद बच्चों विद्युत सेल आपको स्पष्ट मालूम हो रहा है जिसके पहले हम आपको संकेत बताए थे, बगल में प्लग है, प्लग कुंजी जो कोष्टक जैसे दिखाई गई है बच्चों, फिर तार से जोड़ करके उसको बल्ब से परिपथ को पूरा दिखाया गया है। जब जो ही परिपथ पूरा होता है बच्चों, जो ही परिपथ पूरा होता है हम देखते हैं कि उसमें उसकी जो चुंबकीय सुई है अर्थात वह छोटा सा चुंबक होता है और यह चुंबक जो है विद्युत सुई के पास जो ही होता है वह चुंबकीय सुई अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा शुरू होने पर चुंबकीय सुई अपनी दिशा परिवर्तित करती है और जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। आगे बच्चों हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने ऐसे निरीक्षण को सर्वप्रथम स्पष्ट किया और किसी विद्युत तार में, यदि हम आगे आपको बताते हैं बच्चों कि किसी भी विद्युत तार में भी हम ऐसे देखते हैं तो यह किसी भी विद्युत तार में इस तरह से आप लोगों को संक्षिप्त में कहा जाता है, तो किसी भी विद्युत सुचालक तार में से विद्युत द्वारा प्रभावित होने पर उस तार के आसपास बच्चों चुंबक का क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसा कि हमने यहाँ आपको एक कील के द्वारा भी दिखाया गया है, कील के चारों तरफ तार लिपेटा गया बच्चों, एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, कोष्टक जैसा बना है वह कुंजी है, अर्थात ठीक वही बात है, जो भी कुंजी को निकाल लेंगे उसका जो है यहाँ क्या है कुंजी को जोड़ा गया बच्चों, देखने से स्पष्ट हो रहा है कि परिपथ पूरा है। जब परिपथ पूरा है इसका मतलब वो देखो वह छोटी सी कील को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है और जो ही परिपथ को हम डिस्कनेक्ट करेंगे वह सुई गिर जाएगी, अर्थात वह जो कील है वह गिर जाएगी। तो इसका मतलब जो है आलपिन गिरने से, लोहे की आलपिन गिरने से क्या हुआ कि वह चुंबकत्व उसका खत्म हो गया और इस समय चुंबकत्व उसके अंदर है क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित है, कुंजी से आप देख रहे हैं कि परिपथ पूर्ण रूप से पूरा है। तो इस तरह से बच्चों यह आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पूरा होता है। इसी आधार पर बच्चों हमारा पंखा चलता है, जो ही हम विद्युत को प्रवाहित करते हैं पंखे में इस तरह से बाइंडिंग की रहती है और वहां चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने से वहां राड जो उसको पकड़ना चाहता है जिससे वो पंखा हमारा घूमने लगता है। ठीक इसी विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव के आधार पर सिद्धांत पर यह हमारा पंखा बना होता है बच्चों। आगे हम चलते हैं बच्चों, तो विद्युत घंटी की बात है, यहाँ हम देखते हैं बच्चों तो एक तरफ बाएं तरफ आपकी विद्युत घंटी है, दूसरी तरफ कैसे फंक्शन हो रहा है वह देखिए बच्चों, किस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तार में और कैसे जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कैसे वह उसकी खूंटी को छू रहा है और फिर वहां
जो है वह जो राड होता है मुंगरी जिसको कहते हैं वह कैसे उस घंटी से टकरा रही है। यार विद्युत चुंबक तो पैदा हो रहा है बच्चों, जब सेल्फ जो ही बिजली पैदा हो रही है वहां देखो वह जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है वह विद्युत चुंबकत्व को दिखा रहा है। चुंबकत्व पैदा होने से वह जो राड को खींच रहा है अपनी तरफ, जो ही राड को खींच रहा है बच्चों तो वह उसको चूंकि चुंबक है वह अपनी तरफ खींचेगा और उस पर लोहे की पट्टी लगी हुई है वह उसको खींचता है। जब खींचता है तो वह जो घंटी वह बजने लगती है, मुंगरी जो है घंटी से बजने लगती है और जो ही उसका विद्युत खत्म हो जाता है बच्चों वह फिर अपने स्थान पर जाती है। फिर खूंटी में देखो बच्चों, खूंटी में फिर उसको बिजली मिलती है, जो ही बिजली मिलती है कनेक्शन दिखाया गया है खूंटी से उसको मिलता है, जो ही कनेक्शन मिलता है बच्चों तुरंत उसको खींच लेती है। फिर वह कनेक्शन जो ही खींचती है विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, फिर चुंबक तो खत्म हो जाता है। इस तरह से बच्चों यह विद्युत घंटी जो है काम करती है। यह आप लोगों को अब चित्र से भी स्पष्ट हो गया होगा बच्चों कि किस तरह से यह लोहे की पट्टी मुंगरी चुंबक विद्युत चुंबक के पास जुड़ती है, जो ही पट्टी से संपर्क में स्क्रू होता है बच्चों विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है, जो परिपथ पूर्ण होता है पुनः चुंबकत्व पैदा हो जाता है। यह विद्युत चुंबकत्व पैदा होने पर लोहे की पट्टी आकर्षित होती है जिसके कारण घंटी पर मुंगरी का प्रवाह होकर के ध्वन का निर्माण होता है। फिर जो ही संपर्क स्क्रू का टूट जाता है बच्चों, लोहे की पट्टी का संपर्क टूटने से परिपथ में विद्युत धारा खंडित हो जाता है और विद्युत चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है और लोहे की पट्टी पुनः पीछे की ओर आकर के पुनः संपर्क स्क्रू से चिपकती है जिसके कारण पुनः फिर से विद्युत प्रवाह शुरू हो जाता है और इस तरह से बार बार क्रिया होती रहती है। यह मुंगरी घंटी घंटे पर प्रहार करती रहती है, यह क्रिया बार बार होने से हमेशा घंटे में ध्वन उत्पन्न होता है। तो बच्चों इस तरह से यह पाठ आपका समाप्त हुआ और इसमें विद्युत घंटी और जो भी है विद्युत सेल का संयोजन, इसके बाद आप लोगों का धारा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है ये जानकारी दी गई, निकिल कैडमियम सेल दिए गए बताए गए, विद्युत परिपथ की जानकारी बच्चों दिए गए, लेड अम्ल विद्युत सेल की जानकारी दी गई, ड्राई सेल का कैसे संरचना होती है वह बताया गया बच्चों, विभवांतर बताया गया, अर्थात सारी जानकारी आपको दे दी गई है बच्चों। इस पर बहुत सारे प्रश्न भी हो सकते हैं जैसे विद्युत घंटी में लोहे की पट्टी लचीली क्यों होती है, क्योंकि लचीली नहीं होगी तो वह विद्युत सेल खींचने पर जब भी चुंबक खींचेगा तो यदि लचीली होगी तभी तो वह जाकर के उस घंटी से अर्थात लोहे की जो घंटी है उस पर वह बजेगी। तो यह सब बातें हमको समझ में आना चाहिए बच्चों। और प्लस ऐसे भी आ सकता है कि विद्युत घंटी की रचना और उसका जो है कृति आकृति के द्वारा स्पष्ट करो, तो कृति आपको मालूम हो रहा बच्चों और वह आकृति भी बगल में स्पष्ट मालूम हो रही है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है बच्चों। दूसरा बच्चों आपको ये भी प्रश्न आ सकता है प्रयोग में विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र प्रयोग के द्वारा स्पष्ट करो, जिसमें आप लोगों को हम दिया सलाई की बात बताए थे उसमें जो है चुंबकीय सुई रख करके दूसरा कील के एक लोहे की कील लेते हैं उस पर हम तार को लिपेटते हैं, तार को लिपेटने के बाद बच्चों उसमें हम विद्युत प्रवाह चालू करते हैं, वह जो ही प्रवाह चालू करते हैं वह कील को अपनी तरफ आकर्षित करता है अर्थात उसमें चुंबकत्व गुण हो गया क्योंकि चुंबक ही किसी लोहे के कील को आकर्षित करेगा। जो ही हम उसके कुंजी को निकाल लेते हैं अर्थात विद्युत परिपथ को खंडित करते हैं बच्चों, चुंबकत्व का गुण वहां समाप्त हो जाता है। जो चुंबकत्व क्षेत्र समाप्त होने पर बच्चों वह तुरंत उस आलपिन को छोड़ देता है। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं तो आपका इस तरह से प्रश्न बनेंगे। दूसरा है विद्युत का जो है विभवांतर के लिए सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है वह भी आप बच्चों आपको बताया हम, और दूसरा हम एक और उसमें आप लोगों को कोर्स में नहीं है कि किस तरह से हम समांतर अर्थात पैरेलल कैसे श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसको भी बच्चों हम बताए, और प्रश्न भी आ सकता है बच्चों जबकि हमने आप बताया कि श्रेणी क्रम संयोजन में बच्चों जो भी विभवांतर होता है उस विभवांतर को हम जोड़ते हैं अर्थात जो ए और बी के मध्य का विभवांतर है उसको हम जोड़ लेते हैं, यह दोनों जो विभवांतर को जोड़ते हैं बच्चों यही वहां विभवांतर का दोनों श्रेणी का विभव का अंतर होता है विभवांतर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए विभवांतर जरूरी है, जितना अधिक विभवांतर होगा उतने तेज प्रवाह होगा। जैसे अभी हमने बताया जितने ऊंचाई पर पानी का एक टाकी होगी नीचे की टाकी जितने कम ऊंचाई पर होगा अर्थात दोनों का अंतर जितना रहेगा बच्चों
तो उसके अनुसार पानी का फोर्स अधिक होता है। यदि पानी की टाकी के ऊपर और नीचे की टाकी का अंतर हम कम करते हैं तो पानी का फोर्स कम हो जाता है। ठीक वही बात यहाँ बच्चों, विभवांतर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होगा। या दूसरी तरह से, एक राड का एक सिरा हम अधिक गर्म कर देते हैं, दूसरा सिरा कम गर्म रहता है, तो भी ऐसे होता है बच्चों, अधिक सिरे से कम सिरे की तरफ जाएगा। तो यह जो है विभवांतर का हो गया। तो ये बच्चों इस तरह से पाठ को आप सुन लिए, पढ़ लिए, इसके प्रश्नों को मैंने बता दिया, कैडमियम निकिल और लेट अम्ल सेल का अनुप्रयोग मैंने बता दिया बच्चों। तो इसे देखिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों, और इसको शेयर भी करना है। इस तरह से बच्चों यह लेसन हमारा समाप्त होता है और